अस्सलाम दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग सेटअप वगैरह करेंगे PS5 का यहाँ पर। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने PS5 रखा है कोने पे, क्योंकि इसकी HDMI बहुत छोटी इन्होंने दी है। इन्हें चाहिए था तकरीबन कम से कम ये 1.5 मीटर की तो देते, पर इन्होंने बस क्या कहते हैं 1 मीटर की मेरे ख्याल से बस इन्होंने दी है। तो अब इसलिए मुझे यहाँ पर ये कोने पर रखना पड़ा, नहीं तो वैसे ये सेंटर में रखता मैं। तो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर ऑन मैंने कर दिया है, यहाँ पे मैं इसका कंट्रोल यहाँ पे चार्ज होने लग गया। यहाँ पर अब ये लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट करते हैं यहाँ पे, सही है। स्मॉलर लार्जर एडजस्ट डिस्प्ले एरिया सर का शुड फिल द स्क्रीन विदाउट शोइंग ब्लैक बॉर्डर, पूरा ऐसा ही है। PS5 एचडीआर हाई डायनामिक रेंज सही, इतना बहुत सही। इफ यू हैव अ गेम जस्ट इंसर्ट इट नाउ एंड वी विल इंस्टॉल इट व्हाइल यू कंटिन्यू विद सेटअप। गेम डिस्क तो है नहीं, गोड ऑफ वॉर की लगा देता हूँ यहाँ पे। गॉड ऑफ वॉर की डिस्क यहाँ पे हमने निकाली है, और यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्ड एंड द फीचर्स यू योर PSF कैन यूज व्हाइल इन रेस्ट मोड। कंज्यूम लेस पावर सेलेक्ट विद फीचर्स, यार ये सब बाद में करेंगे। हाँ एग्री तो करना पड़ेगा, बाय तुम लोगों ने आगे कहाँ बढ़ने देंगे। अपडेट द सिस्टम सॉफ्टवेयर टू यूज नेटवर्क फीचर्स, ये अभी फिलहाल मैं कहता हूँ हाँ अभी करना पड़ेगा। फिर तो जब तक ये अपडेट होता है तब तक रुकते हैं। तो यहाँ पर ये अपडेट वगैरह हो गया है, और अभी वापस से रिस्टार्ट हो। After installation is completed, PS5 will not automatically start. Okay. अब वापस से रीस्टार्ट होगा ये। न्यू वर्जन ऑफ अच्छा वायरलेस कंट्रोलर का जो है इसमें, हाँ ये भी इसमें भी अपडेट होती है कंट्रोलर की, ये मैं भूल चुका था। तो इसकी अपडेट कर लें,
यूएसबी केबल लगा के रखनी है जब ये अपडेट वगैरह हो रहा हूँ। अब जैसे कि अगर आपका कोई अकाउंट है पहले से, तो आप यहाँ पर जैसे कि PS4, अगर आपने PS4 से एक्सचेंज की है तो आप PS4 वाला अकाउंट यहाँ पर लिख कर, ईमेल वगैरह पासवर्ड वगैरह लिख कर आप लॉगिन कर सकते हो। अगर नहीं है तो क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। और जैसे कि मैं आपको क्या कहते हैं कि क्रिएट अकाउंट करना कोई इतना मुश्किल कोई है नहीं वैसे इसका, पर अभी फ़िलहाल के लिए मैं ईमेल एड्रेस को चूज़ करता हूँ, साइन इन कर दिया। एडजस्ट प्राइवेसी सेटिंग बाय चूजिंग अ प्रोफाइल, चूज अ प्राइवेसी प्रोफाइल दैट फिट्स हाउ यू लाइक टू प्ले ऑनलाइन सोशल एंड ओपन। अप्लाई कंफर्म एंड कंटिन्यू। सेटिंग्स कोई इतनी नॉर्मल, वो नॉर्मल थी कोई इतना कोई खास कोई, बस हाँ जब ये इसकी आईडी वगैरह बना रहे होंगे तब आपको ख्याल रखना है। टेक्स्ट मैसेज प्रोटेक्ट योर अकाउंट विद एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सिक्योरिटी टेक्स्ट मैसेज नंबर वगैरह मैं लिख के अब यहाँ पर कोड मुझे आ जाएगा। चिप मीडिया ऐप तो बहुत वीडियो हाँ ये जो डिस्क्रिप्टर करेंगे अभी इतना टाइम नहीं मैं क्योंकि फिनिश कंफिगरिंग योर PS5 पर पिनिंग ओवर योर यूजर गेम सेंसेस डेटा फ्रॉम योर PS4 इफ यू वांट टू डू दिस लेटर यू कैन ट्रांसफर जस्ट योर गेम एंड सेव डेटा फ्रॉम सेटिंग्स सिस्टम। यानी कि वही एक तरह से आप जैसे कि अगर आपने PS4 चेंज किया है तो आपने PS4 स्लिम से PS4 प्रो पे गए, PS4 फैट से या स्लिम या प्रो पर गए, किसी भी आपने PS4 चेंज किया है, और अगर आपके पिछले PS4 पे अगर कोई डेटा वगैरह होता है तो आप डायरेक्टली उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने नए वाले PS4 पे। तो ऐसे ही PS5 के साथ है कि अगर आपके PS4 में कोई डेटा वगैरह है, सेव गेम वगैरह है, अगर आपके ऑलरेडी आपका PS4 भी अगर आपके अवेलेबल है या मेरे पास मेरा है, तो मैं क्या करूँगा, जितना भी मेरा डेटा वगैरह है, सेव डेटा वगैरह, वो मैं कॉपी कर सकता हूँ उसमें। पर ये अभी मैं डू डिस लेटर करूँगा। इसके लिए क्या होता है कि जैसे लैन केबल होती है इथरनेट केबल की तरह वो वाली, तो दोनों तो वैसे एक आपने अपने PS4 पे लगानी है, एक PS5 पे लगानी है, फिर आपको हो जाएगा। और यहाँ पर क्या डिस्प्ले यहाँ पर ये दे रहा है कसम से, कोई मेरा अपना PS5 और उसका अपना डिस्प्ले, अभी फिलहाल कुछ नहीं है। गेम लाइब्रेरी गेम की ये मेरे इंस्टॉल और जैसे कुछ नहीं हुआ पिछला, ये मेरा कलेक्शन यहाँ पे ये सारे गेम्स जैसे कि लॉक्ड हैं क्योंकि ये PS Plus वाले हैं, और जैसे ये डिस्क वाले हैं ये भी लॉक्ड हैं, और मैंने जैसे गॉड ओवर लगाया था ना, तो गॉड ओवर ऊपर था या नीचे है, बैटमैन अर्कम नाइट आप देख सकते हैं कि ये लॉक नहीं है क्योंकि ये मैंने ख़रीदा हुआ है। इनजस्टिस भी
एक तरह फ्री मिला था, और क्या कहते हैं लास्ट ऑफ अस पार्ट वन पार्ट टू भी खरीदा हुआ है, अर्का असाइलम भी खरीदा हुआ है, और यहाँ पर और भी होराइजन जीरो डॉन भी यहाँ पे फ्री है मेरे पास ऑलरेडी, और ये गॉड ऑफ वॉर जो हम ऑलरेडी किल कर चुके हैं, कि आपने हमें कितने कर चुके हैं दोनों ही PS4 के वर्जन, तो डिफरेंस क्या कर रहे हैं ये? मैंने कहाँ क्या गलती कर दी है? सीरीज शो नहीं कर रहा, एक मिनट में सीरीज देखता हूँ। मैंने सीडी उल्टी लगा दी थी। सच इसमें है कि आपको ना इस दूसरे साइड से लगानी पड़ती है, ऐसे मैं दिखा दो जैसे ये सीडी है ना, हम नॉर्मली ऐसे डालते हैं, इसमें आपको ऐसे डालनी पड़ती है, इस ऐसे डालनी पड़ती है। नॉर्मली हम ऐसे डालते हैं ना, PS4 वगैरह में हम यूँ डाल रहे हैं, पर PS5 में हमें यहाँ ऐसे डालनी पड़ती है। तो अभी वो जैसे सीडी घूमने की आवाज़ भी बहुत फैन थी आ रही आवाज़ काफ़ी, और अभी जैसे गेम वहाँ पे कॉपी हो रहा है, 94% की प्रोग्रेस यहाँ पे है, पर सेव डेटा वगैरह जैसे कि नहीं वो है मेरा अभी फिलहाल। ये अभी हमारा यहाँ पर हो रहा है कॉपी होने में टाइम है, और यहाँ पर और आपको अब आईडी बनाना सिखाता हूँ मैं यहाँ पर आपको। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ थी PlayStation Plus collection, हाँ यहाँ पे आप देखो, अब ये क्या है कि अगर जैसे कि किसी को नहीं पता मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों के पास PlayStation membership है, अगर आप इस पे PS5 PlayStation membership लेते हो तो आप ये सारे गेम्स आपको फ्री मिल जाएंगे यहाँ पर। ये तकरीबन कितने हैं, 5, 10, 15, 20 गेम्स आपको यहाँ पर फ्री मिलते हैं, और ऐसे भी नहीं छोटे मोटे बड़े बड़े गेम जैसे गॉड ओवर, अगर आपने नहीं खेला गॉड ओवर आपको यहाँ पे मिल रहा है, क्रैश मिल रहा है, यहाँ पे मोटो कॉम्बैट 10 मिल रहा है, बैटलफील्ड 1 मिल रहा है, ब्लैक ऑप्स 3 मिल रहा है, यहाँ पर जॉम्बी क्रॉनिकल्स भी मेरे ख्याल से उसमें इंक्लूडेड है, और यहाँ पर इनफेमस सेकंड सन, रैचेट एंड क्लैंक, द लास्ट गार्डियन, द लास्ट ऑफ अस, ब्लड बॉर्न, अंटिल डॉन, डेज गॉन, डेट्रॉइट बिकम ह्यूमन, अनचार्टेड 3, सैंड, रेजिडेंट ईविल 7, भाई अच्छे खासे गेम 20 गेम्स आपको फ्री मिल रहे हैं अगर आपके पास PS Plus मेंबरशिप वगैरह है, और अगर आप PS5 पे लेते हो, अगर आपके PS4 पे भी अवेलेबल है, तो जैसे कि अगर जैसे मैंने अभी ये अपनी आईडी वगैरह इस पे लॉगिन की है तो ऑटोमेटिकली आपको वैसे ही मिल जाएंगे वो गेम सारे। और अब फिलहाल मैं आपको पहले आईडी बनाना सिखा देता हूँ यहाँ पर, तो फिर यूज़र पे करते हैं ना, ऐड यूज़र करते हैं, साइन इन क्विक प्ले नहीं, गेट स्टार्टेड करते हैं। यहाँ पर अब हम क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, मंथ वगैरह अगर हम देखें क्या करूँ यार, 10 मंथ कर लिया, कब लिया मैंने, कब लिया, 29th अप्रैल ना, डे 29, ईयर 2022 सही है ना, ये साइज की बर्थडे है भाई, ये साइज की बर्थडे मेरे मेरी और यूनाइटेड स्टेट्स, तो हाँ जाहिर सी बात है पाकिस्तान तो होगा नहीं, तो यूनाइटेड हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पर हम रीजन 2 वाला करते हैं यहाँ पे कि हाँ इसमें तो रीजन का वो ही नहीं मसला नहीं है, कोई भी कर दो सही, यूनाइटेड किंगडम कर दें, यूनाइटेड स्टेट की तो वैसे ही मेरी आईडी है पहले से, नेक्स्ट यहाँ पे सही है, यू नॉट ऑल टू क्रिएट एन अकाउंट,
क्या यार, ये वही करना पड़ेगा। टूटा सही है, अब सही है, अब मैं और भी ना हूँ। अच्छा यहाँ पे अब ईमेल एड्रेस वगैरह पासवर्ड वगैरह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अच्छा यहाँ पर अब मैं इसकी आईडी में यहाँ पर लिखूँ, मैं तभी सारी आईडी वगैरह लिखकर मैं फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड वगैरह ईमेल वगैरह यहाँ पर मैंने लिख दी, अब नेक्स्ट हम करते हैं। तो शायद अभी मुझे अब इसका नाम मैं लिख दूँ, अब आप देख सकते हो अब काफी लोग यहीं पर ही अटकते हैं कि अब हम सिटी क्या करें, स्टेट प्रोविंस क्या करें। तो यहाँ पर सिटी आप यहाँ पर कर दो, जैसे कि हमने यूनाइटेड किंगडम किया था, तो मैनचेस्टर आप यहाँ पर सिटी कर दो, या कोई और अदर सिटीज कर दो, कोई भी कर दो आप। मैनचेस्टर यहाँ पर मैं कर देता हूँ जैसे आ गई, और प्रोविंस इंग्लैंड, और यहाँ पर पोस्टल कोड आप नेट से यहाँ से निकाल सकते हो। पोस्टल कोड अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो पोस्टल कोड है M24WU। अब हाँ हो गया, अब देखते हैं ये सही होता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ और सब बेहतर गया है, सब कुछ हमने कर दिया यहाँ पे। अब हमने बस आईडी वगैरह आपने देखा कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, और जैसे कि माइल्स मोरेलिस को हम चूज करते हैं यहाँ पर, और ये दिस इज यू ऑनलाइन आईडी। अब ऑनलाइन आईडी यहाँ पर हम कोई भी यहाँ पे फ्रॉस्टी एग्जांपल 51 पीडो सिक्योरिटी या अपनी तरफ से कोई भी कर दो। अब मैं इतना कभी दिमाग लड़ाने के मूड में नहीं हूँ, तो फ्रॉस्टी एग्जांपल 51 सही है। ग्रोन ये कर देते हैं, सही है। नीक्स मैं भूल ही गया था, सोशल एंड ओपन, सही है भाई, ओपन ड्रॉ एंड ओपन। और यहाँ पर आप देख सकते हो आईडी हमारी यहाँ पर बन गई है। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ ये आईडी बनने के बाद क्या है। तीन और तो कोई नहीं, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, वी नीड टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस बिफोर यू। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके ईमेल पर, जैसे कि मेरा ईमेल था, तो वहाँ पर अभी मुझे शायद ईमेल आया हो। अच्छा जैसे यहाँ पे मुझे ये ईमेल आई हुई थी, तो मैंने बिल्कुल नीचे स्क्रॉल किया है, और आप देख सकते पूरा नीचे तक मैंने ऐसे स्क्रॉल किया, और ये सबसे नीचे ऊपर वाला है ना, ये वाला, इस पर मैंने क्लिक किया। तो मैं अब ये मैंने मुझसे आईडी वगैरह मांगी, मैंने वो दे दी इन्हें। अब यहाँ पर ऑलरेडी वेरीफाइड पे अगर मैं करूँ, तो यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस है नॉट बीन वेरीफाइड, तो रिसेंट ईमेल पे हम करते हैं, अनदर ईमेल हैज़ बीन सेंट। फिर मेरे पास ईमेल आया नहीं था यहाँ पर, अभी भी नहीं आया है, क्या कर रहे हैं यार ये लोग। हाँ ईमेल आ गया फाइनली यहाँ पर, सही है। अब वेरीफाई नाउ पे क्लिक करें, यहाँ पर हम जाएंगे, तो वेरीफाइड यहाँ पे हो गया। बस आपको इतना सा काम करना है यहाँ पे। अब हम ऑलरेडी वेरीफाइड पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर वही सब कुछ आ गया, आप जो आपका दिल करे आप करो। यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह चेंज, जो प्राइवेसी वगैरह, और अब जल्दी जल्दी जल्दी
ये जो तो स्टेटस कर लें, ये तो वही टेक्स्ट मैसेज वगैरह हो जाता कि आपको मैसेज के जरिए। और यहाँ पर अगर नंबर नंबर ये भी बाद में जो आपका नंबर वगैरह हो आप डाल दो, पाकिस्तान का नंबर वगैरह आप डाल दो ऊपर पाकिस्तान करके, जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा। अब जैसे कि ये हमारी आईडी यहाँ ये रही, सही। ऊपर मीडिया पे हम जाएंगे तो यहाँ पर ये सब है, और अगर हम गेम्स पाएंगे तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे गेम्स वगैरह। अच्छा दोस्तों, अब जैसे कि पहले जो आप वीडियो अभी देख रहे थे वो सारी मैंने बनाई थी 30 रमज़ान को मैंने बनाई थी, वो 30 रमज़ान वाले दिन सुबह के टाइम पर मैंने बनाई थी वो। और अब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 18 मई को, जैसे कि जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो इस वक्त सुबह के टाइम में मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जैसे कि अभी मेरे पास अच्छे खासे गेम मौजूद हैं, माइस मोरेले जैसे कि मैंने, और ये रिमास्टर वाला स्पाइडरमैन है, तो इन सब के मैं गेम प्ले वगैरह या गॉड वॉर वगैरह का मैं गेम प्ले इस वीडियो में तो नहीं दिखाऊंगा, और स्पाइडरमैन माइस मोरेलेस का जो उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह होगी उसमें दिखाऊंगा। इसमें फ़िलहाल मैं आपको अभी जो एस्ट्रो का ये है अपना एस्ट्रो का मैं आपको गेम प्ले दिखाऊंगा, इसका जो कंट्रोलर का डेमो है वो मैं आपको दिखा दूंगा। टीम असो भी आ गया, और कंट्रोलर के ये हर ये इसमें वाइब्रेटर्स बहुत हैं, वाइब्रेशंस इसमें ना अलग अलग इसमें इन्होंने दी हुई हैं, तो बहुत अच्छा ये फील देती है आपको जब अलग अलग, जैसे आपकी हर उंगली पे आपको वाइब्रेशन फील होगी। तो अभी मैं प्रेस करता हूँ और कंट्रोलर डेमो आपको दिखाता हूँ, तो अभी कंट्रोलर डेमो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे ये अभी ये वाइब्रेशन ये है ना, ये पूरी फील हो रही है मुझे हाथ पे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये इसका एडाप्टर ट्रिगर, यहाँ देख सकते हो ये लॉक्ड है, सही है। अब मैं थोड़ा सा प्रेशर इसे दूंगा यहाँ पर, ये ऐसे है, सही है। और जब दोनों हाथों से आप दबाते हो तब तो अलग ही फील होती है इसकी। अब जैसे कि अब मैंने इस कंट्रोल अपना सेट ज़रा किया, तो अब मैं दोनों हाथों से ट्रिगर दबाता हूँ इसका। उफ, ये बहुत अच्छी ये फील देता है, और बंदा इसमें ही लगा रहेगा एडाप्टर ट्रिगर जो है इसके। अब ये इसका ये टच पैड है, तो जैसे कि आप देख सकते हो तो जैसे कि आपने इसका टच पैड भी देख लिया है। अब नेक्स्ट करते हैं, तो अब देखेंगे आप ये, अब ये फील हो रहा है कि अंदर वाकई कुछ है, जैसे जैसे बॉट्स गए ना उसके अंदर, तो ये वाकई फील होता है और बहुत अच्छा लगता है। ये मोशन सेंसर है इसका। और हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर, सॉरी ये पूरा कंट्रोलर आप घुमा दो ऐसे, तो अब नेक्स्ट करता हूँ मैं। तो अब ये है माइक्रोफोन चेकअप, तो मैं अब जैसे कुछ बोलता हूँ तो आप देख रहे हो वहाँ पर कितना वो फील हो रहा है उसे। फिनिश, बस ये इसका था। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कितना ये इसकी औसम फीलिंग थी इसके कंट्रोलर की, और बहुत ही अच्छा ये फील होता है। और जब मैं जैसे मशीन गन वगैरह या रेजिडेंट एविल विलेज मैंने इसी चक्कर में ख़त्म कर दिया वापस पूरा, कि मुझे वो मशीन गन टाइप कुछ चलाने को मिलेगा, और मैं फिर वो एडाप्टर ट्रिगर्स जो इसके हैं उसका सही वजूद होता है ना, वो जब यूं यूं करके एकदम से ऑटोमेटिक जब ये होता है तो बहुत अच्छा फील हो रहा था वो। तो बहुत ही बेहतरीन कंट्रोलर है इसका,
तो अभी फ़िलहाल हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। गेम प्ले वगैरह जो मेन जो होंगे वो मैं आगे आने वाली इंशाल्लाह वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मैं सोशल मीडिया लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।